हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। स्टूडेंट, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक कई सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप हो सकता है आपने पहले ये टॉपिक पढ़ा भी हो। जैसे हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पे भी आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हम बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे भी ये टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेटेजी के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं तो पहले हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं और प्रॉपरली सारी चीज़ों को प्रॉपरली एग्जामिन किया जाता है। मतलब अगर हम बात करें इंटरनल एनवायरनमेंट की, तो इंटरनल एनवायरनमेंट पे हमारा पूरा कंट्रोल रहता है। ठीक है, जैसे सपोज़ हम बात करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, कितने रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन रिसोर्स को किस तरीके से हमें यूज़ करना है। ठीक है, प्लानिंग के बारे में बात करें, ठीक है, हमारी पॉलिसी के बारे में बात करें, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। जहाँ हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट इन सारी पॉइंट से प्रॉपरली कंट्रोल रहता है, तो वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कंडीशंस एंटिटीज इवेंट्स फैक्टर्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस इट्स एक्टिविटीज एंड चॉइस पर्टिकुलरली द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज फैक्टर्स दैट आर फ्रीक्वेंटली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशनल मिशन स्टेटमेंट लीडरशिप स्टाइल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की। जैसे सपोज हम बात करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के बारे में, हम बात कर रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बारे में, हम बात कर रहे हैं मैनेजरियल फंक्शंस के बारे में। तो अगर हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है, अपना इंटरनल जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है का एनवायरनमेंट है उसको प्रॉपरली एग्जामिन करना है कि क्या सारी चीज़ें हमारी पॉलिसी के हिसाब से या फिर जो भी हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से है या नहीं है। और सेकंड चीज, जो हम बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की, तो इंटरनल एनवायरनमेंट पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारा पूरा प्रॉपरली कंट्रोल रहता है। मींस टू से जहाँ पे भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है वहाँ आप उसको चेंज कर सकते हो। प्रॉपरली आपकी कंट्रोलिंग है, प्रॉपरली आपका इवेल्युएशन है और सारी चीज़ें आपके हिसाब से मॉडिफाई और चेंज हो सकती हैं और आप अपनी पॉलिसी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से सारी चीज़ों को प्रॉपरली बार बार अल्टरेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनल एनवायरनमेंट की, इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मिशंस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, हमारे स्टेटमेंट, हमारी लीडरशिप स्टाइल, कब कौन सा लीडरशिप स्टाइल हमें अडॉप्ट करना चाहिए, किस सिचुएशन में किस तरीके से हमें लीडरशिप स्टाइल फॉलो करनी चाहिए, यानी कि सारी चीज़ों पर प्रॉपरली हमारा कंट्रोलिंग है। ठीक है, तो इस वो हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के एक अंदर का पार्ट जहाँ बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और उसमें आपको किस हिसाब से उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, पहले क्या है, प्लानिंग, दूसरी क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो सारी चीज़ें आप सारे मैनेजर फंक्शंस बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हो क्योंकि ओवरऑल सारी चीज़ों पर आपका कंट्रोल है। तो वो हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे क्या है, मार्केट, अगर हम बात करें एक्सटर्नल की तो हम बात कर रहे हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड हैं। जैसे सपोज हमारे बहुत सारे वेंडर हैं, सप्लायर हैं, ठीक है, अब हमारी उनके साथ डीलिंग चल रही है तो हमारा उनके उन पे प्रॉपरली कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा होता है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ पहले उसको रीड कर लेते हैं, द फैक्टर बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द फर्म, वो सारे फैक्टर जो फर्म के बियॉन्ड कंट्रोलिंग के बियॉन्ड बाहर हैं, तो वो हम बात कर रहे हैं किसकी,
तो वो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, ठीक है। द फैक्टर बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फर्म दैट इन्फ्लुएंस इट्स चॉइस एंड डायरेक्शन एक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, तो वो सारी चीजें हम बात कर रहे हैं किसमें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर बियॉन्ड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म दैट इन्फ्लुएंस इट्स चॉइस एंड डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे सपोज हम बात करते हैं मार्केट में कॉम्पिटिशन्स की, अब मार्केट में क्या कॉम्पिटिशन है, ठीक है, किस हिसाब से कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो कॉम्पिटिशन को आप होल्ड नहीं कर सकते, यानी कि वो एक ऐसा फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, उस पर आपकी कोई भी कंट्रोलिंग नहीं है। आपको एक्सटर्नल फैक्टर, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से अपने आप को रेडी करना है और अपने आप को चेंज करना होता है, तो वो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। सपोज आप मार्केट में, आपका कोई प्रोडक्ट मार्केट में आप लेके जा रहे हो, ठीक है, अब उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए, तो आप उसकी कॉस्ट अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते अगर आपका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है, मार्केट में उस प्रोडक्ट के क्या प्राइस चल रहे हैं, सेम ऐसा ही प्रोडक्ट आपके दो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब आप अगर कोई प्रोडक्ट लेके जा रहे हो तो आप जो प्राइस है वो उसी के हिसाब से सेट करोगे जो मार्केट में प्राइस, जो कॉस्ट उसकी जो प्राइस है वो चल रहा है, ठीक है। तो वो हाँ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी इस सब पॉइंट्स होते हैं ये सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं और इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हमने बात करी थी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के और इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये थे मेन टॉपिक, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वी हैव प्रॉपरली, इन द इंटरनल एनवायरनमेंट वी हैव प्रॉपरली कंट्रोल ओवर द फर्म, ठीक है, हमारा प्रॉपर कंट्रोल है, हम सारे चीज़ों को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल, तो कोई भी हमारी कंट्रोलिंग नहीं है, द फैक्टर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म, कोई भी हमारा किसी भी चीज़ पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो वो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में, तो एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट।